स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश के अपने दौरे पे अरुणाचल प्रदेश को भारत के ताज में एक गहने के रूप में संबोधित करते हुए वहां के निवासियों को देशभक्ति से भरा हुआ बताया। जब उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया तो यह आश्वासन भी दिया कि भारत जिस दिन आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा उस दिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी विकास के मामले में अन्य राज्यों के बराबर होंगे। अमित शाह जी की बात यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अपने कल्चर, ट्राइबल कम्युनिटीज़ और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाने जाने वाले नॉर्थ ईस्ट कई डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं और 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर के साथ साथ पिछले कुछ सालों से चल रहे चाइनीज एग्रेशन के कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और खासकर अरुणाचल प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़ बनता रहता है। इस एग्रेशन ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस राज्य की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भी इंकरेज किया है। दोस्तों, यूँ तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ वर्षों में डेवलप हुआ है लेकिन अरुणाचल प्रदेश को नेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए आज भी एक लंबा सफ़र तय करना बाकी है। आखिर क्यों अरुणाचल प्रदेश नेशनल स्टैंडर्ड्स की तुलना में डेवलपमेंट में पीछे है? अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के सामने कौन से इशूज़ बाधा बन रहे हैं और सरकार ने उन्हें रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? इन सब सवालों के साथ आज हम इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश की केस स्टडी डिस्कस करेंगे और आपको इस राज्य से संबंधित कई एस्पेक्ट से रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कई सारे एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में इससे जुड़े सवाल GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस और GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी आईक्यू अपना फुली लाइव कोर्स यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए लॉन्च करने जा रहा है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं और उनके बारे में हम लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं। देखिए, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी तो इस कोर्स को डिफाइन करते ही है और अगर उस डेफिनेशन को आपको और स्ट्रांगली महसूस करना है तो आप AG लाइव कूपन कोड यूज़ करके इस देश के सबसे बेहतर UPSC प्री प्लस मेंस के कोर्स को सिर्फ 18,500 रुपीज़ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटोरशिप के अंतर्गत आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपके वीक एरियाज में काम किया जाएगा। हर एक स्टूडेंट जो इस कोर्स में इनरोल करेगा उनको गाइड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो अकेडमिक और नॉन अकेडमिक एरियाज में आपकी हेल्प करेंगे और इन मेंटोर से बड़ी आसानी से आप कॉल, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। बैचेस की शुरुआत 20th जून शाम 6 बजे से हो रही है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, लैंड ऑफ डॉनलेट माउंटेन्स के नाम से पहचाना जाने वाला अरुणाचल प्रदेश ऑर्चिड पैराडाइज, लैंड ऑफ राइजिंग सन और पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट के टाइटल से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हिमालय की गोद में वादियों और जंगलों से घिरा हुआ यह प्रदेश अपने आप में एक कहानी है। लगभग 83,743 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एरिया के मामले में लार्जेस्ट माना जाता है। इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज कई कंट्रीज के साथ शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट में भूटान के साथ 160 किलोमीटर, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना के साथ 180 किलोमीटर और ईस्ट में म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर का एक लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वहीं नॉर्थ में बर्फ से ढके पहाड़ इसकी सुरक्षा करते हैं। वहीं साउथ में ब्रह्मपुत्र वैली के प्लेन्स इसे सॉइल फर्टिलिटी प्रदान करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश में हरे भरे जंगल, डीप रिवर वैलीज और खूबसूरत प्लेटियोस का संगम देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस राज्य का 79.33% जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्टेड है जो इसे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्टेड स्टेट बनाता है। देश के 20% फौना स्पीसीज का घर होने के साथ साथ यहाँ 4500 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 23 स्पीसीज ऑफ कोनाइफर्स, 35 स्पीसीज ऑफ बम्बूज, 20 स्पीसीज ऑफ केन, 52 स्पीसीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन और मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स पाए जाते हैं। ये डेटा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से लिया गया है। इसकी 5 रिवर वैलीज हैं, कामिंग, सुबानसरी, सियांग, लोहित और तिरप। इनमें कई ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं जिनके बीच हाई माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट के कारण कम्युनिकेशन गहरे नहीं हो पाए हैं और समय के साथ सभी ने अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाकर 50 से भी अधिक लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स को जन्म दिया है।
लगभग 10 लाख की टोटल पॉपुलेशन में करीब 65% आबादी ट्राइबल्स की है, जिनमें 26 मेजर ट्राइब्स और 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स मौजूद हैं। सिग्निफिकेंट ट्राइबल ग्रुप्स में मोनपास, निशिस, अपातानिस, नोक्तेस और शेरडुक पेंस शामिल हैं। नेशनल सेंसस 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सेक्स रेशियो 938 है, यानी हर 1000 मेल्स पे 938 फीमेल्स हैं, जो नेशनल एवरेज 940 से कम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी एज ग्रुप 0-6 ईयर्स में हर 1000 मेल में से 964 फीमेल्स मौजूद हैं। लगभग 22.94% आबादी अर्बन रीजन्स में रहती है, जिसका मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल इलाकों में बसी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट ने भी लेटेस्ट सेंसस में एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है। 2011 पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक 65.38% आबादी लिटरेट है, जिसमें मेल लिटरेसी 72.55% है और फीमेल लिटरेसी 57.70%। दोस्तों, जितना खूबसूरत इसका भूगोल है, उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास भी है। आइए जानते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, बेशक अरुणाचल प्रदेश का ये नाम काफी रीसेंट हो, लेकिन इस रीजन का मेंशन हमें कलिका पुराण जैसे प्राचीन हिंदू लिटरेचर और महाभारत और रामायण में भी मिलता है। 500 BCE और 600 CE के बीच इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स मोनपा किंगडम ऑफ मोन्यूल के अंडर थे। आने वाले समय में असम के चूतिया और अहोम किंगडम ने भी इसके कुछ हिस्सों पर रूल किया। सियांग के फुटहिल्स में 14th सेंचुरी के मालिनी थान जैसे हिंदू मंदिरों के रीसेंट रूइंस भी ये संकेत देते हैं कि वे चूतिया शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। साथ ही लगभग 400 ईयर्स पुरानी तवांग मॉनेस्ट्री अरुणाचल और तिब्बतंस के बीच के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की गवाही देते हैं। इस राज्य के इतिहास में नेक्स्ट मेजर फेज ब्रिटिश शासन के दौरान था, जब 1826 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स असम राज्य के साथ ट्रीटी ऑफ यंदाबो के बाद ब्रिटिश इंडिया के अंदर लाए गए। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ यंदाबो एंग्लो बर्मा वॉर के बाद बर्मा और ब्रिटिश के बीच साइन की गई थी और अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्से उस वक्त हिल्स और फॉरेस्ट के कारण किसी भी देश द्वारा क्लेम नहीं किए गए थे, लेकिन इन एरियाज के टी कल्टीवेशन को और सिक्योर करने के लिए 1912-1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज के इंडिजिनस पीपल की सहमति के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स यानी कि NEFT का एक रीजन कार्व आउट किया, जिसमें 3 सेक्शन शामिल थे, बलीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक्ट और सादिया फ्रंटियर ट्रैक्ट, जिन्हें उस समय के यूजुअल लॉज गवर नहीं करते थे। 1914 में NEFT को तिब्बत से डिमार्केट करने के लिए तिब्बत लोगों और ब्रिटिशर्स के बीच मैकमोहन लाइन का एग्रीमेंट साइन हुआ। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव भी इस मीटिंग में शामिल था। इंटरेस्टिंगली, चाइना इस लाइन को आज भी एक्सेप्ट नहीं करता और तिब्बत के साथ साथ पूरे अरुणाचल को अपना बताता है। खैर, जब देश आज़ाद हुआ तो जनवरी 26, 1950 तक NEFT गवर्नमेंट ऑफ असम के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर रहा। 1950 में बलीपारा, तिराप, अबोर हिल डिस्ट्रिक्ट और मिशमी हिल डिस्ट्रिक्ट के सारे प्लेन लैंड एरियाज असम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए गए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1954 के इंट्रोडक्शन के थ्रू ट्यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन को छोड़ NEFT के बाकी पोर्शंस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि NEFA के रूप में डेजिग्नेट कर दिए जाते हैं और ट्यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन 1963 में नागालैंड के फॉर्मेशन के बाद उसका हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, NEFA 1963 से 1965 तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और 1965 से 1972 तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देने का फैसला किया गया, जिसके बाद 1987 में इसे अपनी स्टेटहुड प्राप्त हुई। अपने फॉर्मेशन के बाद से अरुणाचल ने काफी प्रोग्रेस देखी है। स्टेट का एनुअल बजट पिछले कुछ सालों में 12,500 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ तक हुआ है, जहां उसके पड़ोसी राज्य असम की GDP लगभग 3,35,000 करोड़ है, वहीं अरुणाचल प्रदेश की GDP 30,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रिसेंट ईयर्स में स्टेट की GDP 10,000 करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो गई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह और इम्प्रूव होती दिखाई देगी। दोस्तों, ये तो बात सच है कि अरुणाचल प्रदेश ने वजूद में आने के बाद काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन अरुणाचल को नेशनल स्टैंडर्ड्स तक पहुँचने के लिए अब भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की कई सीढ़ियाँ चढ़नी है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिपोर्ट में भी अरुणाचल प्रदेश को लो रैंक मिलने के बाद आज एक बार फिर
एक्सपर्ट्स द्वारा फोकस उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित इश्यूज पे किया जा रहा है। करंट टाइम्स में अरुणाचल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही प्रकार के इश्यूज फेस कर रहा है। अगर एक्सटर्नल थ्रेट्स और इश्यूज की बात करें तो चाइना का अरुणाचल प्रदेश स्पेशली तवांग पे अपने क्लेम्स को इंक्रीज करने की कोशिश करना कुछ सालों से इंडिया के लिए और अरुणाचल के लिए एक मेजर इशू बना हुआ है। इनफैक्ट अरुणाचल के बॉर्डर एरियाज में सैटेलाइट इमेजेस द्वारा ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि चाइना ने वहाँ विलेजेस डेवलप करने शुरू कर दिए हैं और लगभग 15 प्लेसेस को रीनेम कर दिया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आने वाले समय में डायलॉग्स के थ्रू बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सेटल करने की कोशिश की जाएगी तो चाइना विलेजेस का हवाला देकर उन एरियाज में अपने क्लेम को जस्टिफाई कर सकता है। पिछले कुछ सालों से बढ़ते चाइनीज एग्रेशन के कारण प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम श्री पेमा खांडू का ये भी कहना था कि चूंकि चाइना इस राज्य को अपना क्लेम करता है, इसलिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे लो इंटरेस्ट रेट वाले लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंटल नीड्स के लिए लोन देने से कतराते हैं। 2013 की लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को वर्ल्ड बैंक के लोन प्रपोजल से हटा दिया था ताकि बॉर्डर एरियाज के मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट्स में चाइनीज ऑब्जेक्शन से बचा जा सके। 11,000 करोड़ रुपीस के इनिशियल लोन प्रपोजल्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करने और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार किए गए थे। इसके बाद में सिक्किम और अरुणाचल को रिमूव करने के बाद 8,115 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। इसी तरह 2009 में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 2.9 बिलियन डॉलर्स के लोन पे भी चाइना ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि इस लोन में अरुणाचल का वाटर प्रोजेक्ट भी शामिल था। म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करने के कारण लो इंटेंसिटी की इंसर्जेंसी कभी कभी पैदा हो जाती है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े इंटरनल इश्यूज हैं। उसकी रग टोपोग्राफी, फॉरेस्ट और हिली टेरेन के कारण अरुणाचल प्रदेश में लैक ऑफ रोबस्ट लैंड, एयर, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश के 5,000 इनहैबिटेड विलेज में से 2,000 से अधिक के पास कनेक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 73% विलेजेस के पास आज भी कोई इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। कई इलाकों में फोन कनेक्टिविटी स्टेबल नहीं है। वहीं दूसरी ओर यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं अवेलेबल है भी तो कई दिनों तक वो ऑफ रहती है या फिर बैड कनेक्टिविटी शो करता है। प्रॉपर फोन सिग्नल कैच करने के लिए लोगों को रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स ट्रांसमिट और रिसीव करने वाले टावर्स के पास जाना पड़ता है जो घरों से कई मील दूर लोकेटेड हैं। इसके अलावा कुछ बॉर्डर एरियाज में केवल बीएसएनएल नेटवर्क ही काम करता है। इस कारण बॉर्डर एरियाज में नेशनल सिक्योरिटी का इशू काफी बढ़ जाता है क्योंकि बीएसएनएल सेवा उपलब्ध ना होने पे फोन्स इजली चाइनीज मोबाइल और रेडियो सिग्नल्स कैच कर लेते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा जहां एक तरफ रोडवेज पे काम होता देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ एयर कनेक्टिविटी अब भी काफी पुअर है। फ्लाइट से अरुणाचल प्रदेश ट्रैवल करने के लिए मोस्टली असम के एयरपोर्ट्स प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि फिलहाल केवल तेजू एयरपोर्ट और पाशीघाट एयरपोर्ट ही अरुणाचल प्रदेश में सिविलियंस के लिए ऑपरेशनल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ह्यूज पोटेंशियल होने के बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश में पॉसिबिलिटी को फुली टैप नहीं किया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पास कंट्री के टोटल 1,48,701 मेगावाट आइडेंटिफाइड हाइड्रो पावर पोटेंशियल में से लगभग 50,328 मेगावाट अवेलेबल है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 25 मेगावाट या उससे अधिक की एनर्जी जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज स्टेट में लगभग 140 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो या तो क्लीयरेंस के इंतजार कर रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग स्टेजेस पे अटके हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 2000 मेगावाट का लोअर सुभानसिरी प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसका कंस्ट्रक्शन एनएचपीसी द्वारा दिसंबर 2007 में शुरू किया गया था। दोस्तों, पुअर कनेक्टिविटी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर से लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी अन्य दूसरी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अरुणाचल के 2011-12 के एनुअल प्लानिंग डॉक्यूमेंट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश इनएडिक्वेट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण सबसे गरीब राज्यों में एक राज्य माना जाता है। अरुणाचल में चाइनीज एग्रेशन के थ्रेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के कारण काफी कम मात्रा में मेजर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स में स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, लैक ऑफ सपोर्टिंग इकोसिस्टम और लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क मेजर नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनके कारण इंडस्ट्रीज सेटअप होने में नाकाम रही हैं। इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की कमी के कारण भी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही हैं।
फिलहाल इंडस्ट्री लाइसेंस एक विंडो से लेना पड़ता है, ट्रेडिंग लाइसेंस दूसरे विंडो से, पॉल्यूशन क्लियरेंसेस अलग विंडो से, और इस तरह ये पूरा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जिसे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिव नहीं समझती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट फिगर भी देश में सेकेंड हाईएस्ट है। स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि 2018 में लगभग 67,000 यूथ्स अनएम्प्लॉयड के रूप में रजिस्टर किए गए थे। रूरल एरियाज में 7.1% के साथ मेल्स फीमेल्स की तुलना में ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.6% है। बताया जाता है कि विमेन सेंट्रिक गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर के कारण ये ट्रेंड देखा जा रहा है। वहीं अर्बन एरियाज में मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16.5% है और फीमेल का 26.9%। दोस्तों, मेजर इंडस्ट्रीज के एब्सेंस की वजह से अधिकांश यूथ गवर्नमेंट जॉब्स पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स भी अब सेचुरेट हो रही हैं, जिसके कारण वैकेंसीज ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ एजुकेटेड यूथ की बढ़ती संख्या के साथ नौकरी की मांग भी बढ़ती जा रही है। नौकरी न मिलने पे यूथ में थेफ्ट, क्राइम, एक्सटॉर्शन, इंसर्जेंसी इत्यादि जैसे अनवांटेड एक्टिविटीज इंक्रीज होती जा रही हैं। इनफैक्ट इनमें ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। लोकल इश्यूज में लिटरेसी रेट, लो एजुकेशन रिटेंशन, डिफॉरेस्टेशन और असम के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट भी बड़ी समस्याएं बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसस 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट में हमारे देश का नेशनल एवरेज 74.04% है, जिसमें 82.1% मेल और 65.46% फीमेल्स लिटरेट हैं, यानी उन्हें पढ़ना और लिखना आता है। लेकिन अरुणाचल की लिटरेसी रेट 65.4% के साथ नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है, जहां मेल की लिटरेसी रेट 72.6% है और फीमेल्स की 57.7%। वहीं एजुकेटेड यूथ जिसने एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट की है, अरुणाचल में 21.7% है, बल्कि एजुकेटेड यूथ का नेशनल एवरेज 24.9% है। इतना ही नहीं, 2019 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि ASER रिवील करती है कि अरुणाचल प्रदेश में फिफ्थ स्टैंडर्ड में एनरोल्ड बच्चों में से 50% बच्चे भी सेकेंड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक रीड नहीं कर पा रहे थे। 2016 में जहां 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप वाले 2.4% बच्चे स्कूल्स में एनरोल नहीं हुए थे, वहीं 2018 में उनकी परसेंटेज बढ़कर 3.9% हो गई थी। यदि हायर एजुकेशन की हम बात करें तो पूरे अरुणाचल में केवल एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद है और वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। अरुणाचल प्रदेश में इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन भी हर गुजरते साल नए इश्यूज पैदा कर रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज की गई इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 असेसमेंट की तुलना में 2021 में इस राज्य को 257 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर का नुकसान हुआ है। वहीं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2020 रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2019 के बीच अरुणाचल प्रदेश ने 1110 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट लूज किया है, जो एक अलार्मिंग रेट बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स फॉरेस्ट कवर में रिडक्शन के दो मेजर रीजंस बताते हैं। पहला है ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा झूम यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना, और दूसरा है पिछले कई सालों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का तेजी से इंक्रीज होना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की हाउसिंग डिमांड्स को मीट करने के लिए भी फॉरेस्टेड एरियाज को हाउसेस, ऑफिसेस और इरिगेशन फील्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन से अरुणाचल के स्टेट बर्ड हॉर्नबिल का मेजर हैबिटेट पैपूम रिजर्व फॉरेस्ट भी काफी अफेक्टेड हुआ है, जिसने हॉर्नबिल की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर दिया है। वैसे दोस्तों, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से जुड़े सवाल आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। हमारे पूछे गए इस आसान से सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड द क्वेश्चन इज, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का असम के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट भी कई सालों से एक मेजर इशू बना हुआ है, जिसे यूनियन होम मिनिस्टर ने 2023 तक रिजॉल्व करने की बात कही है। असम के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के क्रिएट होने के कारण असम की बाउंड्री डिस्प्यूट्स लगभग सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ रही है। अरुणाचल प्रदेश जो पहले असम का हिस्सा था, लगभग 800 किलोमीटर की बाउंड्री असम के साथ शेयर करता है, जहां 1990s से फ्रीक्वेंट फ्लेयरअप्स रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। आज की तारीख में बाउंड्री पे लगभग 1200 पॉइंट्स को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा है। अरुणाचल की समस्याओं को एक्नॉलेज करते हुए उन्हें एड्रेस करने के प्रयास कई सालों से चल रहे हैं। स्टेट में नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज के अंडर 950 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अंडर 835 करोड़ रुपीस की परियोजनाएं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री के अंडर 825 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं।
आइए इन प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, जिसके अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सोशियो इकोनॉमिक और बैलेंस डेवलपमेंट के लिए काम करती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में न्यू इकोनॉमिक एफर्ट्स में काउंसिल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। ये उन मेजर हर्डल्स को रिमूव करती है जो रीजन के डेवलपमेंट में बाधा पैदा करते हैं, जिसके कारण इसे एक आशा की नई किरण से कम नहीं समझा जाता। 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्थापना से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट को मेजर बूस्ट मिला है। मिनिस्ट्री का उद्देश्य नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पेस को इन्हांस करना है। पिछले कुछ सालों में मिनिस्ट्री ने इस रीजन में 3,466 करोड़ रुपीस स्पेंड कर डिजिटल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को एक मेजर पुश दिया है। करोड़ ऑफ रुपीस हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए भी स्पेंड किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, आत्मनिर्भर हाथशिल्पकार स्कीम और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम जैसे कई इनिशिएटिव्स नॉर्थ ईस्ट के लिए लॉन्च किए हैं, जिससे अरुणाचल प्रदेश को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेट में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश तक ट्रेन कनेक्टिविटी को और एक्सपैंड किया जा रहा है और एयर कनेक्टिविटी के इशू को भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। 2014 में जहां अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ट्रेन शुरू हुई थी, वहीं अब कई ट्रेन प्रोजेक्ट्स के सर्वेज और कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2022 तक अरुणाचल प्रदेश को उसका फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी एयरपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। रोड्स की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज गवर्नमेंट द्वारा लेड कई रोड प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और कई अप्रूव किए गए हैं। लगभग 2000 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रांस अरुणाचल हाईवे फ्यूचर में अरुणाचल की प्रोग्रेस में एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। यह हाईवे नॉर्थ वेस्ट में स्थित तवांग से लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित कनुबारी तक रन करेगा। मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टाउन्स को राज्य की कैपिटल ईटानगर और टूरिज्म, ट्रेड, इंडस्ट्री और मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सेंटर से भी जोड़ेगा। ये रिमोट एरियाज और बॉर्डर एरियाज को करीब लाने में भी मददगार साबित होगा। दोस्तों, बॉर्डर एरियाज में इंडियन ट्रूप्स के मूवमेंट को प्रायोरिटाइज करते हुए बॉर्डर एरियाज कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए फ्रंटियर हाईवे भी बनाए जाएंगे। बॉर्डर विलेज इल्यूमिनेशन प्रोग्राम के तहत 700 विलेजेस में स्ट्रीट लाइटिंग लगाने का काम और बॉर्डर एरियाज में फुट ट्रैक्स का निर्माण भी चल रहा है। 2021 में अरुणाचल प्रदेश के CM ने यह भी अनाउंस किया था कि प्रपोज्ड ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे पे भी काम जल्द शुरू होगा। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बहरापकुंड और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के रुकसिन को कनेक्ट करता हुआ यह हाईवे अरुणाचल के इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन की एक नई कहानी लिखेगा। दोस्तों, उन सबके अलावा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF के अंडर 27 अन्य रोड प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव किए गए हैं। नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिजिटल कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे। लगभग 3000 गांव के पास 4G कनेक्टिविटी आ चुकी है, जबकि 1680 और गांव में इसे एक्सपैंड करने की योजना बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 600 मेगावाट कामिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी फंक्शनिंग है, जबकि 2000 मेगावाट का लोअर सुभानसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जो राज्य को इमेंसली बेनिफिट करेगा। 2880 मेगावाट के दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे भी काम जल्द शुरू होने वाला है, जो कंस्ट्रक्शन के बाद इंडिया का लार्जेस्ट डैम होगा। साथ ही 394 करोड़ रुपए के कई स्टार्टअप्स के थ्रू राज्य के 33,466 फैमिलीज और 800 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाभ पहुंचाया गया है। यदि स्टेट के टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए तो टूरिस्ट की सुरक्षा इंश्योर करने के लिए टूरिज्म पुलिस और अरुणाचल सुरक्षा टूरिस्ट पुलिस ऐप लॉन्च किए गए हैं। इनफैक्ट अरुणाचल टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित रिसेंटली कंक्लूडेड ट्रांस अरुणाचल ड्राइव ने न्यू टूरिस्ट लोकेशंस भी डिस्कवर की, जो आगे चलकर टूरिज्म को नया बूस्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1992 में राज्य की साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने और साइंस एंड टेक के यूटिलाइजेशन के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए की गई थी। 1996 में इस काउंसिल के अंडर स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर भी स्टैब्लिश किया गया था, जो एक एपेक्स बॉडी के रूप में एडवांस रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर नेचुरल रिसोर्सेज की इन्वेंट्री, मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ साथ उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी प्लानिंग करती है।
दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के लिए एलोकेशन 2021-22 में 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 50 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर पर्यटन योजना के लिए 4 करोड़ रुपीज से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लो कॉस्ट कैपिटल एक्सेस करने में मदद करती है और चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर एजेंसी, होटल्स और होमस्टेज ओपन करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में लो रैंक मिलने के बाद से अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रयास लेने शुरू कर दिए हैं। हर सेकेंडरी स्कूल में एक क्लासरूम डिजिटल टीचिंग के लिए अलॉट करना, लाइब्रेरीज को स्ट्रेंथन करना और 20 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर के साथ एग्जिस्टिंग स्कूल्स को इंटर विलेज स्कूल्स में अपग्रेड करना कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स की पिक्चर बदल सकते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज को हायर एजुकेशन में आगे लेके आने के लिए अरुणाचल प्रदेश के स्कूल्स ट्राइबल लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स भी प्रमोट करेंगे। सैनिक स्कूल पासीघाट का डेवलपमेंट और 71 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की नियुक्ति गवर्नमेंट के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने के इरादों को दर्शाता है। इन सब के अलावा 2021 में पाके टाइगर रिजर्व, 2047 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश अडॉप्ट किया गया था, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट को प्रमोट करने का उद्देश्य रखता है। मल्टी सेक्टोरल अप्रोचेस के थ्रू ये डिक्लेरेशन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट और लो एमिशन पे फोकस करता है, जो 5 थीम्स पे बेस्ड हैं: हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लाइवलीहुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबल एंड अडैप्टिव लिविंग एंड एविडेंस जनरेशन एंड कोलैबोरेटिव एक्शन। स्थानीय आबादी के समर्थन से असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए विभिन्न सफल अभियानों के मद्देनजर हाई अलर्ट तिरप, चंगलांग और लॉन्गडिंग क्षेत्र में इंसर्जेंट एक्टिविटीज में काफी डाउनफॉल देखा गया है। उम्मीद जताई जाती है कि अन्य डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ साथ इंसर्जेंसी में भी कमी आने के कारण नियर फ्यूचर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज देखा जाएगा। इन इनिशिएटिव के बावजूद भी कई एरियाज में अरुणाचल के पोटेंशियल को टैप करना बाकी है। उनमें सबसे प्रमुख है ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ डीप रिलेशन। भूटान और म्यांमार जैसे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ यह प्रदेश इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट गेटवे का रोल निभा सकता है। ईस्ट एशियन नेशंस के साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस और गहरे किए जा सकते हैं। साथ ही हम आसियान नेशंस के साथ कोलैबोरेट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का न्यू रूट ओपन कर सकते हैं। $3.8 trillion की कंबाइंड GDP वाले आसियान देशों के साथ बिजनेस कोलैबोरेशंस करके अरुणाचल की ओवरऑल GDP को मेजर बूस्ट दिया जा सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से इंडिया साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ अपने संबंध को एक नई दिशा की ओर लेके जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता है और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और अन्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ को इंडिया के डेवलपमेंट प्लान में टॉप प्रायोरिटी में रखने की आवश्यकता है। कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे या IMT हाईवे के थ्रू इस काम को अंजाम भी दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने में काफी मददगार साबित होंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर कंस्ट्रक्ट होने वाले IMT हाईवे कंप्लीशन के बाद इंडिया के मोरे को वाया म्यांमार थाईलैंड के मायसॉट से कनेक्ट करेंगे। बल्कि हाइड्रो पावर और हॉर्टिकल्चर के भी यहाँ हाई प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अपग्रेडेशन की भी बात की थी, जो अपने रोल को एनहांस करता हुआ रीजन में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम कर सकता है। प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स अपने पेनिट्रेशन को रिमोट एरियाज तक एक्सपेंड करके फाइनेंशियल इंक्लूजन एंश्योर कर सकते हैं। लोकल्स कुकिंग के लिए ट्री कट ना करें, इसलिए सरकार और NGOs को LPG और सोलार प्लांट्स जैसे अल्टरनेटिव सोर्सेस को इनकरेज करना होगा। तो दोस्तों, ये थी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित स्टडी IQ की तरफ से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी। सरकार अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए और क्या कदम उठा सकती है, इसके बारे में आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके हिसाब से आज के वक्त अरुणाचल प्रदेश और हमारे प्यारे भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपसे बताया गया कि इस वीडियो का UPSC के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है, और उसी रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ कैन अरुणाचल प्रदेश बी अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज ग्रोइंग GDP?
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।